आज हम बनाने जा रहे हैं घिया के पकोड़े, जिसको आप लौकी के पकोड़े भी बोलते हैं। ये बेसन तैयार है, ये लौकी छीली है, ये मसाले तैयार हैं। तो अभी हम बेसन को लौकी के साथ मिला के पकोड़े बनाएंगे। तो ये बेसन हमने मिला लिया है लौकी के साथ, इसको अब अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे मसाले। ये डाली है लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक, इसको अच्छे से मिला लेंगे। कुछ लोग इसे लौकी कहते हैं, कुछ लोग इसे घिया कहते हैं। तो इसे लौकी के पकोड़े कहें, चाहे घिया के पकोड़े, चाहे कोफ्ते कहें, एक ही बात है। बेसन ऐड करते हैं। थोड़ा सा बेसन और डालें। जरूरत है नहीं, किया तो वैसे ही पानी छोड़ देते हैं। तो ये कोफ्तों के लिए हमारा मसाला तैयार हो गया। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे वरना ये गीला हो जाएगा। तो ये हमने डाल दिया है तेल पकौड़ों को तलने के लिए। इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि तेल गर्म हो जाए अच्छे से। तो ये हमने डाल दिया है तेल पकौड़ों को तलने के लिए। इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि तेल गर्म हो जाए अच्छे से। तो अब हम पकोड़े बनाने के लिए तैयार हैं। तेल गर्म हो चुका है। ये देखिए हमारे पकोड़े तल रहे हैं। बस कुछ ही देर में तैयार हो जाएंगे। ये कुछ देर के लिए इसे तेल में छोड़ देंगे। तो ये हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। पकोड़े नहीं, इनको कोफ्ते बोलेंगे हम। लौकी के कोफ्ते, घिया के कोफ्ते, काफ़ी सुंदर लग रहा है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बनने के बाद ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। ये हमारे कोफ्ते आप देख सकते हैं। तो हमारा लौकी कोफ्ते की सामग्री तैयार हो गई है। हमें चाहिए लौकी के कोफ्ते, अदरक लहसुन का पेस्ट और कटी हुई मिर्ची, टमाटर कटे हुए, प्याज
कटे हुए प्याज, मसाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये तेल इसमें हमने डाल लिया है, थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि तेल गर्म हो जाए। तो हमारा ये तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और कटी हुई मिर्ची साथ में। डालेंगे इसमें कटे हुए प्याज, अब इसे अच्छे से मिला देंगे। प्याज को गोल्डन होने तक भूनते रहेंगे। तो हमारे प्याज ये गोल्डन कलर हो गए हैं। अब इसमें मिला देंगे हम कटे हुए टमाटर। थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसमें अब हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले डालेंगे हम इसमें नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और हल्दी थोड़ी सी। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाए, धीमी आंच में 5 मिनट के लिए। तो हमारे मसाले अब अच्छे से पक चुके हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालेंगे इसको करी, ताकि इसकी करी बन जाए, अच्छे से ग्रेवी बन जाए। इसमें डालेंगे किचन किंग, और अब इसमें डालेंगे हमारे कोफ्ते।
अगर आपके कोफ्ते थोड़े हार्ड बने तो इसमें डालने के बाद थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाएंगे। हमने अपने सारे मसाले डाल दिए, कोफ्ते डाल दिए। अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ढक देंगे, 15 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पे। इसको ढक्कन लगा के इसको बंद करेंगे ताकि ये अपनी भाप से भी अच्छे से पक जाए। अब इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हमारा कोफ्ता जो है वो पक चुका है। अब इसको ढक्कन को देख सकते हैं, जिसकी ग्रेवी को आप देख सकते हैं कितनी थिक कितनी गाढ़ी है। तो हमारा कोफ्ता जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।